मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और कल पूरी रात भर बारिश हुई है। पूरी रात भर बारिश हुई है, उसके बाद मैं सोया हूँ। रात में दो बार उठा मिला और रात भर बारिश होने के बाद अब मौसम फिर से बारिश हो रहा है। अब निकलना, निकलते हैं यहाँ से। सुबह 9 बज चुके हैं, निकलना पड़ेगा यहाँ से। निकलते हैं, बाकी एक और व्यू पॉइंट देखते हैं दादा कैसा है, कैसा नहीं है। इस टाइम पर बारिश के टाइम पर पानी भी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं। चलो नीचे चल के एक बार देख के आते हैं, उसके बाद हाथ धो के फ्रेश होकर निकलते हैं। बाढ़ जैसे हालात हो रखे हैं, वाटर लेवल बहुत ऊपर है। लास्ट में देखो कहाँ बह रहा था, वोटर से टच हो गया। कोई बंदा देख कहाँ ला रहा है, गिर जाएगा फिर रह जाएगा। ठीक है भाई, देहरादून जाते जाते हैं ना, एक बहुत तगड़ा सीन मिला, बहुत अच्छा। देखो पीछे बैक साइड दिख रहे हैं, बादल पूरा नीचे आ रखे, पूरे बादल नीचे आ रखे, पूरे पहाड़ पे ऐसा लग रहा है सजा रखे हैं। मैं चक्राता रास्ते पे और यहाँ पर हो रखी है लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा। अभी अभी भी हुई है लैंडस्लाइड, होने वाली है, अभी हो गई है पहले। इस रास्ते पर लैंडस्लाइड बहुत है इस टाइम पे। फाइनली गाइस पहुंच चुके चक्राता टाइगर फॉल देखने। टाइगर फॉल की पार्किंग में पहुंच चुके हैं, टाइगर फॉल देखने जाएंगे। नीचे से शायद 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। पूरे रास्ते लैंडस्लाइड मिली है साले रास्ते पे, तो चक्राता पे पूरे रास्ते पे कम से कम 20 किलोमीटर पूरे पे लैंडस्लाइड, कभी बारिश और रास्ता पूरा टूटा फूटा। इस टाइम में मानसून का टाइम पर तो बहुत बेकार रास्ता है। चलो पार्किंग सीट ले लेते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं। आ जाओ भाई जल्दी। कितने का है टिकट? 20 रुपये पर पर्सन। 30। एक मिनट, पर्स रह गया, पर्स कार में। एक मिनट, पर्स यार गाड़ी में रह गया, पर्स ले जाता हूँ। 30 रुपये पर पर्सन टिकट है, दो मतलब कि 30 रुपये पर पर्सन बता रहे हैं। टिकट अलग से लेना पड़ेगा। व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है टाइगर फॉल के, यहाँ का पार्किंग का व्यू है। पार्किंग यहाँ से सीन है, नीचे रिवर है, कैंप वो लग रखे शाम। व्यू तो बहुत अच्छा है ये रहा भाई। यहाँ से ट्रैक चालू हो जाता है टाइगर फॉल का। अब सीधा जाना पड़ेगा नीचे, शायद यहाँ से 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर बता रहे थे ऊपर तो। बाकी ट्रैक तो काफ़ी अच्छा है, व्यू भी बहुत अच्छा है। 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। ग्रेट लोकेशन है बस एक ही है, मतलब कि इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है यहाँ पर यार 2 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर नीचे चलने में। ये तो दिख ही रहा है, कैंप है शायद नीचे रिवर के साइड में, रिवर लेक व्यू है शायद। आवाज़ तो आ रही है पानी की पर पता नहीं।
टाइगर फॉल देखते 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 पता नहीं कहाँ पहुँच गए, जंगल से मैं पहुँच गई गलत रास्ते पे शायद। अब वापस थोड़ा दोबारा वापस जाना पड़ेगा, पता नहीं यार रास्ता भी ऐसे ही एक जैसे लग रहा है यहाँ पर सारा। सांस चढ़ रहे चलते चलते इस पर। एक तो कुछ है नहीं इस ट्रैक पे, पूरे ट्रैक पे कुछ नहीं है, पानी की बोतल भी नहीं मिलेगी एक आपको। और ट्रैक ऐसा है बहुत ज़्यादा पतला ट्रैक है, बस पूछना पड़ेगा किसी से कोई मिलता है तो पीछे रास्ते में। कोई ना आता दिख रहा, कोई ना जाता दिख रहा, पर खो गया भाई मैं जंगल में कसम से, कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पर। भाई एक भैया से पूछ के उसने उन्होंने सही रास्ता बताया थोड़ा, उसके बाद से एक ट्रैक आ गया हम दोबारा से। अब जहाँ पहुँचे एक लोकेशन मिली अब ये कि ये यहाँ सब नहा रहे हैं, अपना जिसे नहाना है। ऊपर से धूप तो हो रही है, गर्मी लग रही है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा। मन कर रहा भाई नहाने का अब तो, मेरा भी शायद नहाऊंगा मैं भी अब नहाना हुआ तो। क्राउड तो बहुत काफ़ी कम है इस टाइम पर सीज़न में, मानसून है ना, मानसून में बारिश के टाइम में बहुत कम क्राउड आ रहा है साइड पर, पानी बहुत तेज है। ट्रैक तो बहुत काफ़ी अच्छा है भाई। पहुँच चुका है डेस्टिनेशन में बिल्कुल, अब बिल्कुल सामने आ गया टाइगर फॉल। और थोड़ा सा दिख रहा है इसमें, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा अभी, सामने आने वाला बस लास्ट 300 मीटर्स उसका सीधा टाइगर फॉल। बड़ा यार बड़ा हॉट ट्रैक है इसका भी, पैदल पैदल का बहुत दूर पड़ता है। बाकी साथ में ये जगह टाइगर फॉल का पानी है, टाइगर फॉल के रिवर है, तेज है बहुत ज़्यादा। अभी तो काफ़ी अच्छा है, देखो झरने बह रहे हैं यहाँ पर। भाई सामने आ गया तो वाटरफॉल बिल्कुल सामने बिल्कुल, ये रहा बहुत तेज है पानी का प्रेशर। कैमरे में शायद इतना रिकॉर्ड ना रहा हो बट बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज। ओ भाई यहाँ तक आ रही है इसकी वो पानी की, बहुत तेज है भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे ज्यादा भयंकर भाई देखा है, इससे ज्यादा खतरनाक है भाई। डर लग रहा है साइड जाने में, कैमरे पे पूरा हो गया वो कैमरा, यहाँ तक इसकी पानी क्यों आ रही है कैमरे रिकॉर्डिंग तो कैमरा रिकॉर्डिंग कर पाने यहाँ तक दिखा दे रहा है तो पूरा बहुत तेज है और टाइगर फॉल भाई बहुत डेंजरस है। इतना तेज है ना इसका, 50 मीटर से ही पानी मतलब पूरा व्यू हो दे रहा है, मैं जैसे ही कैमरा सेट करूँगा ना वैसे ही भीग जाएगा देखना, बहुत तेज गिर रहा पानी। ओके बोला यही प्रॉब्लम है यार, मतलब जैसे ही थोड़ा सा कैमरा इसका सेट कर दिया ना वैसे ही पूरा भिगो दे रहा है वैसे ही, और 50 मीटर की डिस्टेंस में पूरा भिगो दे रहा है, मतलब वहाँ तक जा ही नहीं सकते, बहुत तेज है पानी का बहुत ज़्यादा। मतलब चक्राता आओ तो टाइगर फॉल तो ज़रूर आना चाहिए भाई, टाइगर फॉल बहुत तेज हो। टाइगर फॉल के सामने बैड ऑमलेट खाने का मज़ा ही कुछ होगा, मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। वापिस आगे पार्किंग में, और ये डॉग भी हमारे साथ साथ आया मेरा। हाँ भाई पूरा नीचे टाइगर फॉल से हमारे साथ साथ नीचे ऊपर तक आया पार्किंग तक। यार टाइगर फॉल तो बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत अच्छा। उसमें क्या है कि 50 मीटर तक ना पूरे तक पानी पानी आ जाता है, पूरा भिगो देता है, इसलिए कैमरा वगैरह तो ज़्यादा वीडियो वगैरह तो बना नहीं सकते क्योंकि आते ही मतलब उसके पास जाएंगे तो पूरा भिगो देता है फ़ोन को, तो वीडियो वगैरह तो इतनी शूट हो नहीं सकती ना फोटो वोटो खींच सकती, तो इसलिए ज़्यादा वीडियो वगैरह तो बना सकते। पर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लोकेशन है एक टाइगर फॉल, मज़ा आ गया। आज भाई चलो ये निकलते हैं, अब यहाँ से कपड़े वपड़े चेंज करके निकलते हैं, फिर नीचे जाके देखते हैं कोई कैंप वैम्प मिलता तो कैंप ही लेंगे ज़्यादा, नहीं तो कोई देखेंगे कुछ मिल जाए होटल वगैरह या फिर कैंप ज़्यादा ले
कैंप करने का मन है, कैंप करेंगे कहीं। कैंप यहाँ पर आसपास है नहीं, बता रहे हैं कि 20 किलोमीटर पीछे है चक्रा था के आसपास ही, यहाँ पर तो है नहीं, आसपास दूर ही है यहाँ से 20 किलोमीटर करते हैं चलते हैं। पूरा व्यू नज़र आ रहा है, ये व्यू पॉइंट मतलब जो टाइगर फॉल की पार्किंग है उसी के पास है, उसी के जस्ट ऊपर है। यहाँ से पूरा व्यू मतलब कि चारों तरफ का व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से, और सामने जो रास्ता जा रहा है दिख रहा है ना जो, हाँ वही वाला जो रास्ता जा रहा है सामने, वो जा रहा है सीधा टाइगर फॉल का ट्रैक है वो पूरा पूरा का पूरा। मतलब ये बताते हैं यहाँ पर आसपास ये बता रहे कि 2 किलोमीटर है, बट ये 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, मतलब 3 किलोमीटर के आसपास बैठता है पूरा नीचे तक जाने में जहाँ टाइगर फॉल है। बहुत लंबा ट्रैक है, बाकी टाइगर फॉल तो बहुत अच्छा है ही, वो तो मैंने पहले बता दिया, मतलब कि हकीकत में टाइगर जैसा ही है, जैसे नाम रखा है ना वैसा ही है वो टाइगर फॉल, मतलब एक बार तो जरूर देखना चाहिए। बाकी चक्राता में मतलब मेन जो है इसका वो टाइगर फॉल ही है, और थोड़ा बहुत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मतलब फॉरेस्ट एरिया है, बाकी लेक व्यू है, और कुछ मतलब कि एक सनसेट पॉइंट है वहाँ भी गए थे हम, वहाँ इतना खास था नहीं, वहाँ पर बारिश मिली हमें, मतलब बारिश हो रही थी वहाँ पर, तो इसलिए हम सीधा टाइगर फॉल आ गए। उसके बाद मतलब व्यू पॉइंट तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, मतलब एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए, विज़िट जरूर हटूँगा सो रहा है जा। बाकी भाई हवा तो मौसम अलग ही है, सामने मौसम हो रहा है बारिश का, उस साइड वो काले बादल हो रहे हैं ना वहाँ हो रहा है, उस वाले पहाड़ पे है, उस सामने वाले पहाड़ पे है बारिश का मौसम, पीछे है धूप, मतलब हर पहाड़ पे अलग मौसम है यहाँ पर हर पहाड़ पे। चलते भाई नीचे, टाइम हो गया, निकलेंगे यहाँ से गाड़ी।